ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी भोपाल की, जहां कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी के लिए मध्य प्रदेश के गुल्लक गैंग के बच्चों ने किया प्रचार। आगे बात होगी लखीमपुर की, जहां जनमानस कल्याण हेतु विशाल शतचंडी महायज्ञ व भव्य कलश यात्रा का हुआ शुभारंभ। साथ ही आगे चर्चा होगी ललितपुर की, जहां पत्नी की हत्या करने वाले पति और बहनोई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले निकली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल रहे मध्य प्रदेश के गुल्लक गैंग के बच्चों ने लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के लिए माहौल तैयार किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार और रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी के लिए मध्य प्रदेश के गुल्लक गैंग के बच्चों ने प्रचार किया। उन्होंने दोनों ही सीटों पर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। चुनाव प्रचार कर मध्य प्रदेश लौटे बच्चों ने भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के लिए अपार जन समर्थन उन्हें देखने को मिला है। लोगों में इस बार बदलाव की आहट है, लोग भी चाहते हैं कि बदलाव हो। उन्हें कहा कि 10 सालों से उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर मनोज कुमार सांसद हैं, लेकिन वहाँ पर लोग उन्हें जानते तक नहीं हैं। लोगों ने कहा कि कन्हैया कुमार एक बेहतर विकल्प हैं। वहीं राहुल गांधी को लेकर गुल्लक गैंग के बच्चों ने कहा कि रायबरेली राहुल गांधी का परिवार है, वो फिर से अपने परिवार के बीच जाकर चुनाव लड़ रहे हैं और वहां से उनकी जीत सुनिश्चित है। इस दौरान सदस्य यश राज परमार ने राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के लिए अपनी ओर से गुल्लक भी भेंट की। यश राज ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव से पहले ही कांग्रेस सरकार के खाते फ्रीज कर दिए थे। चुनाव लड़ने में जितनी मदद हम बच्चे कर सकते थे वो हमने की, इसलिए राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की गई है। क्या प्रचार करके आए हैं वो बताइए। मेरा नाम जतिन परमार है और हम अभी रायबरेली गए थे, उसके बाद हम दिल्ली गए थे। रायबरेली में हमने राहुल जी का प्रचार किया है। हम वहाँ पर लोगों से मिले तो उनका कहना है कि रायबरेली में जो भी दिया है गांधी परिवार ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं दिया। वहाँ गुल्लक भी भेंट की थी राहुल जी, वहाँ पर हमने राहुल जी को गुल्लक भेंट करी थी जी। मेरे छोटे वाले भाई ने वहाँ पर राहुल जी को गुल्लक भेंट करी थी चुनाव लड़ने के लिए जी। हमारे अकाउंट वहाँ माहौल राहुल जी सांसद बनेंगे वहाँ से कंफर्म है, अगर आपको कोई डाउट हो तो बताइए आप। ठीक बस लौटे हैं, क्या माहौल देख के आए हैं? राहुल गांधी से कितनी मुलाकात हुई जी? राहुल जी को गुल्लक भेंट करी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। मोदी जी ने सारे अकाउंट सीज कर दिए कांग्रेस पार्टी के लिए, इसके लिए हमसे जितना हो पाया हमने राहुल जी को भेंट करा। और माहौल है बदलाव का इस बार, लोगों ने समझा है राहुल जी को। राजनीति रायबरेली ने ही इंदिरा जी राजीव जी नेहरू जी को सिखाई है, सो बदलाव की आहट इस बार पूरे देश में। अच्छा, राहुल गांधी ने क्या कुछ टिप्स दिए थे वहाँ जब मुलाकात हुई? हमें टिप्स दिए कि आप डोर टू डोर कैंपेनिंग करिए, लोगों को बताइए, आपके एज के बच्चों को बताइए कि क्या क्या कांग्रेस ने करा है, क्या बीजेपी ने करा है, सच बताइए जो है। दिल्ली भी आप गए थे कन्हैया कुमार के लिए प्रचार? जी बिल्कुल गए थे हम दिल्ली, इस बार भी कन्हैया कुमार जी जीतेंगे। वहाँ पर मनोज तिवारी को कोई जानते तक नहीं है। लोगों का कहना है सिर्फ हम तो मोदी जी के नाम पे वोट देंगे, जो गिने चुने लोग देते हैं हम मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं, हम किसी को नहीं जानते। उनके क्षेत्र में कितना विकास देखा आपको मनोज तिवारी जी के क्षेत्र में? हमको मतलब लगभग ना के बराबर, जो 10 साल में जो होना चाहिए लगभग ना के बराबर देखा है। नाम बताइए आपका। जी मेरा नाम राजकुमार परमार है। राजकुमार, अभी दिल्ली से लौटे हो प्रचार करके जी, क्या माहौल देखा, कैसा माहौल है? जी माहौल बदलाव का है, लोकसभा काफ़ी बड़ी सीटें हैं वो जी, लोकसभा की राहुल गांधी दूसरे को कन्हैया कुमार, क्या लग रहा है इस बार का माहौल? जी माहौल पूरा लग रहा है कि कन्हैया कुमार जी जीत रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। विकास को देख के कर सकते हैं जी, वहाँ पर 10 साल पिछले मनोज तिवारी जी के थे, वहाँ पर ना के बराबर विकास हुआ है। अब कन्हैया कुमार जी सांसद बनेंगे, विकास तो होगा ही। किस तरह की चुनाव कैंपेनिंग करी आपने वहाँ? हमने वहाँ पर डोर टू डोर कैंपेनिंग करी। लोगों से मिले? हाँ जी मिले लोगों से। क्या कहना? लोगों का कहना ये है कि हम तो किसी को नहीं जानते, हम तो कन्हैया जी को जानते हैं, उनको ही वोट देंगे। गांधी और कन्हैया कुमार की चुनावी यात्रा से आप लौटे हैं वापस, क्या माहौल है, क्या आप वहाँ पर करके आए बताएं? हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करके आए, पूरे रायबरेली के लोग सभी यही चाहते हैं कि देश में बदलाव हो, उत्तर प्रदेश में बदलाव हो, राहुल गांधी जी वहाँ के सांसद बने और उनकी समस्या समझे। राहुल गांधी जी का वो लोग मतलब परिवार है पूरा, रायबरेली उनका एक्चुअली पूरा परिवार है, तो परिवार की समस्या सुनना, उनके मतलब पिछले राजीव जी इंदिरा जी सब वहीं के ही हैं, तो मतलब उनकी पुरानी पिछली पीढ़ी से उनका वो परिवार रहा है वहाँ की, देश की मतलब वो लोग उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। किस तरह की कैंपेनिंग वहाँ पर आपने की है? हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग करके बताया कि आप राहुल जी को वोट करिए,
उन्हें सांसद बनाइए और पीएम भी बनाइए, और पीएम बनाने के बाद आपकी समस्या वो समझेंगे, आगे आपको जो भी समस्या आएगी उसका समाधान निकालेंगे, ना कि मोदी जी जैसे कि सिर्फ अपने मित्रों का भला करेंगे। वहाँ राहुल गांधी से मुलाकात भी की आपने? जी बिल्कुल, राहुल गांधी जी से हमारी मुलाकात भी हुई थी और राहुल गांधी जी ने हमारी फोटो भी पोस्ट की थी। ऊर्जा का संचार हुआ राहुल गांधी से मुलाकात के बाद, क्या उन्होंने आपको टिप्स दिए हैं? उन्होंने टिप्स दिए हैं कि आप अपनी एज के लोगों को कन्वर्ट कीजिए, आपकी एज के लोगों को बताइए कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, सच का साथ दीजिए, ना कि ऐसा कि सिर्फ हमारे बारे में कांग्रेस को बताइए, आप दोनों के पक्ष में बोलिए, ऐसा नहीं कि गलत को गलत सही को सही बताइए, क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी सिर्फ एक ऐसे नेता है जो ये कहते हैं कि आप सच बोलिए, झूठ नहीं बोलना है। दिल्ली में भी आप लोग थे? दिल्ली में भी हम लोगों ने कैंपेनिंग की और कन्हैया कुमार जी जीतेंगे वहाँ से। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन थाना मजगई के अंतर्गत ग्राम पंचायत छेदुई पदिया के धोबी पुरवा में 26 मई 2023 दिन मंगलवार को बाबा स्वर्गीय 1008 अयोध्या दास महाराज के तत्वाधान में 23वां जनमानस कल्याण हेतु विशाल सचंडी महायज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित यज्ञाचार्य आदित्य कृष्णम शास्त्री तथा पंडित ज्ञान प्रकाश मिश्र द्वारा मंत्रोच्चारणों के साथ भूमि पूजन, पंचांग पूजन एवं यज्ञ तथा मंडप प्रवेश व भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें धोबीपुरवा, पतिया, हक्कलपुरवा, सेमरहिया, लोखंदरपुरवा, टॉपरपुरवा आदि गाँव से हजारों की संख्या में औरतों ने अपने सर पर कलश रखकर मन में श्रद्धा भाव रखते हुए तथा जय माता दी नाम को जपते हुए तेज धूप तपती जमीन पर पैर रखते हुए कलश यात्रा को संपन्न किया। तपती धूप को देखते हुए गांव के लोगों ने कलश यात्रा में शामिल महिलाओं तथा बच्चों आदि लोगों को शरबत पिलाया। इस बारे में लोगों ने काफ़ी सराहना की। कलश यात्रा के दौरान श्रीपाल महतिया, बैंक मैनेजर सुनील कुमार, माता दीन, शिवनारायण, सत्यनारायण, विकास कुमार, शुक्लाम्बर शुक्ला, कौशल किशोर, रामशरण, मूलचंद गुप्ता, अशोक दीक्षित, धर्मेंद्र चौधरी सहित गाँव के काफ़ी लोग मौजूद रहे। जी महाराज जी, ये बताइए आपका क्या नाम है, शुभ नाम जान सकते हैं हम? पंडित ज्ञान प्रकाश मिश्र जी। ये जो यज्ञशाला जो चल रही है, ये किस ग्राम सभा के अंतर्गत आती है? ये धोबीपुरवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए महाराज जी, ये जो चल रहा है कार्यक्रम, ये कितने दिन से और कितने दिन तक रहेगा? ये कार्यक्रम ये 23वां वर्ष इस बार है जी जी। ये बाबा श्री अयोध्या दास महाराज के सानिध्य में जी जी जी, उनकी कृपा से उन्हीं के तत्वाधान में ये 23 साल से निरंतर चलता आ रहा है जी। सात द्वितीय दिवस है। अच्छा अच्छा, और ये कितने दिन तक चलेगा ये प्रोग्राम? ये 9 दिन तक। अच्छा अच्छा, तो इस जो ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है धोबीपुरवा के गांव धोबीपुरवा के अंतर्गत, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सत्चंडी महायज्ञ के नाम से होता है, सत्चंडी महायज्ञ जी जी। इसे नगर का, देश का जी जी, और सभी लोगों का इसका कल्याण होता है। ये कल्याण यज्ञ कराया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो 9 दिन का जो कार्यक्रम है, तो 9 दिन में यज्ञ के अंतर्गत क्या क्या ऐसा मतलब प्राविधान क्या क्या रहेगा? जैसे कल 26 तारीख को प्रारंभ हुआ जी, कल शोभा यात्रा बहुत ही बड़े विशाल रूप में निकाली गई। आज इसका द्वितीय दिवस है। वेदी रचना और पंचांग पीठ पूजन जी, फिर मंडप प्रवेश होगा जी, मंडप प्रवेश वेदी पूजन करके आरती करके आज का कार्यक्रम सम्पन्न होगा। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता पुनीत कुमार की रिपोर्ट। ललितपुर पुलिस ने तालाबपुरा में किराए के मकान में रहने अदिति राजा की हत्या के मामले में उसके पति व बहनोई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया, जहां पति ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि हमारी शादी के बाद से ही झगड़ा चलता था पति से, और वहीं पत्नी के नाम 8 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर रही थी और मेरे नाम करती थी, इसकी किसी और से फ़ोन पर बातें करती थी, इसी कारण मैंने अपने बहनोई के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मई को थाना कोतवाली अंतर्गत तालाबपुरा के मोहल्ला डोडा घाट में एक महिला की गला घोट कर हत्या कर दी गई थी। जब इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को मिली तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, सभी उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया गया और उसके बाद जो है CCTV वगैरह और वहाँ के जो हमें एविडेंस वहाँ से जो मिले, इसके अलावा जो परिस्थित जन साक्ष्य थे और मृतका के छोटे बेटे का बयान हम लोगों के द्वारा लिया गया, तो इन सब चीज़ों से ये निकल कर आया कि उस महिला की हत्या उसके ही पति पुष्पेंद्र राजा द्वारा की गई है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुष्पेंद्र राजा को गिरफ्तार कर लिया है।
पुष्पेंद्र राजा ने पूछताछ में बताया कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका बहनोई टिंकू राजा भी इस हत्या में शामिल था। टिंकू राजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुष्पेंद्र राजा द्वारा बताया गया है कि मेरी शादी 14 वर्ष पहले हुई थी। शादी के समय से ही उसकी अपनी पत्नी के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। इसके अलावा इन लोगों ने 16 एकड़ ज़मीन भी खरीदी थी, जिसमें 8 एकड़ ज़मीन पुष्पेंद्र राजा के नाम थी और 8 एकड़ ज़मीन इसके अदिति राजा जो उसकी पत्नी थी उसके नाम थी। जब इनके संबंध खराब हो गए तो पुष्पेंद्र राजा द्वारा उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि वो ज़मीन जो 8 एकड़ है वो पुनः उसके नाम कर दे। इसके अलावा पुष्पेंद्र राजा अपनी पत्नी के ऊपर शक भी करता था। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सीहोर जिले के मोतीपुरा में इन दिनों जल संकट गहराया हुआ है। भीषण गर्मी के चलते पेयजल स्रोत सूख गए हैं। वहीं गांव में जो हैंडपंप है वो भी सूखने के कगार पर पहुंच गए हैं। बमुश्किल हैंडपंप से 6 कुप्पी पानी ही निकल पाता है। ऐसे में ग्रामीणों के समक्ष पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है। वहीं करीब 20 दिन पूर्व पीएचई मंत्री एवं पंचायत मंत्री से ग्रामीण मोतीपुरा में नलकूप खनन कराए जाने की मांग भी कर चुके हैं। मंत्री के द्वारा भी जिले के अधिकारी को निर्देश दिए गए थे तत्काल बोर खनन कराया जाए, परंतु 20 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक गांव में बोर खनन नहीं हुआ। ग्रामीण पेयजल को तरस रहे और ग्रामीण जनता प्रदर्शन करने को मजबूर हो रही है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने समस्या का समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सीहोर से सीनियर संवाददाता प्रेम राय की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर के उतरौला से, जहां भीषण गर्मी व उमस से परेशान नागरिकों को बिजली विभाग के लगातार ट्रिप से हलकान होना पड़ रहा है। बिजली कटौती से आजिज लोगों ने बिजली विभाग का सहारा छोड़ दिया है। उतरौला नगर में बिजली विभाग की लापरवाही से ट्रांसफार्मर पर भीषण गर्मी में काफी लोड है। इस कारण नगर के ट्रांसफार्मर लगातार जल रहे हैं। ट्रांसफार्मर के जलने से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है। वहीं नगर में दिन भर बिजली का तार बदले जाने से बिजली आपूर्ति दिन भर ठप रहती है। उधर बिजली विभाग दिन भर 20 बार ट्रिप करने से बिजली आपूर्ति ठप कर दी जाती है। बिजली ट्रिप किए जाने से नागरिक बहुत परेशान रहते हैं। सबसे अधिक समस्या रात में होती है। सोमवार को राजा बाजार में लगे ट्रांसफार्मर में मोबिल का रिसाव होने से उसमें आग लगने की संभावना पर उस मोहल्ले की बिजली आपूर्ति काट दी गई। बिजली विभाग अब उस ट्रांसफार्मर को बदलने में जुट गया है। इसी तरह नगर में लगे ट्रांसफार्मर की दशा काफ़ी दयनीय है। बिजली का लोड बढ़ने से सभी ट्रांसफार्मर हाँफ रहे हैं। SDO बिजली विभाग ने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब होने पर उसे बदलने का काम किया जा रहा है। इसमें कम लोड के ट्रांसफार्मर के खराब होने पर अधिक लोड के ट्रांसफार्मर को लगाया जा रहा है। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता कमल किशोर गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।